अस्सलाम वालेकुम। सैकड़े है हमारा इधर कलाम में मौजूद हैं, और ये हमारे होटल का नाम है होटल कलाम नेस्ट, और ये इसका व्यू है। इस होटल में हम ठहरे हुए हैं, ये लोगों की गाड़ियां हमारी गाड़ी आगे लगी हुई हैं। तो यहां से अब हम मोहनडंड झील की तरफ सुबह रवाना होंगे। टाइम 8:15 का टाइम हो रहा है, हमने नाश्ता भी कर लिया है और दोस्त रेडी भी हो गए, कपड़े वगैरह चेंज करने थे वो भी कर लिए। तो अच्छा मौसम है, अब धूप निकली हुई सुबह, लेकिन वेदर जो है वो कूल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के साथ। ये कलाम की ये टॉप पे मौजूद वो नज़र आ रहे हैं पहाड़, उनकी चोटियों पे जो है ना वो अभी भी बर्फ मौजूद है और वो मेल्ट हो रही है। ये हम रेडियो के इस ये लैंड क्रूजर हैं, उसमें हम बैठे हैं। तो तकरीबन इसका 6 से 7,000 का रेंट तकरीबन होता है, तो हम 650 हम दे रहे हैं, 500 रुपया। तो अब हम ना ये रोड जा रहे हैं, ये जंगल है इसका, ये ड्राइवर है और ये हमारे गुरु टीचर हैं। तो हम ना मोहनडंड झील की तरफ जा रहे हैं। कितना प्यारा जंगल है ये, देखें जरा क्या खूबसूरत नजारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हम कलाम के पास मतलब जो मोहनडंड झील है उसके रास्ते में मौजूद हैं। ये ओशो का इलाका है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए हमने स्टे किया है, 5-10 मिनट यहाँ पे रुकेंगे। ये देखें ज़रा ये पानी जा रहा है, और वो ऊपर जो टॉप पे नज़र आ रही है वो बर्फ पड़ी हुई, अभी तक वो मेल्ट नहीं हुई है। ये जो ये पानी का शोर आप देख लें, कितना जोर है पानी में। और ये मैं बिल्कुल रिवर के यहाँ पे ये स्पॉट सा बना हुआ, ये देखें मैं इस पर मौजूद हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यह पानी का फ्लो मौजूद है, और आप देखें कि कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने ये हमारे पाकिस्तान को खूबसूरती से नवाजा है। ये पहाड़ जो हैं ये देखें कितने जेंट और ह्यूज किस्म के पहाड़ हैं, अल्लाह ताला की रहमत है। और ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे खूबसूरत खजानों से नवाजा है, और बड़ी खूबसूरत और इन्होंने ये अभी थोड़ी देर पहले कैप्चर किए हैं। तो मैं मज़ीद आपको और दिखाता हूँ कि ये चीज़ें बहुत मुश्किलों से मिलती है, बहुत थोड़ा पड़ता है। तो अल्लाह ताला के एक कौम, ये मोहनडंड झील के रास्ते में ये पॉइंट है, ग्लेशियर पॉइंट। ये देखे ना ये नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट है, ये ग्लेशियर है जो ऊपर से पिघल के है ना, बर्फ़ है जमी हुई है और पिघल रही है स्टेप बाई स्टेप, और वो देखें ऊपर से आ रहा है पानी स्टेप बाई स्टेप। अच्छा तो ये पानी आगे नीचे जा रहा है। गाड़ियाँ देखते पानी से गुजर रही हैं, और यहाँ बिल्कुल पास ही ये रास्ते में ना है सुरंग टनल बन रही है, यहाँ पे भी डैम बन रहा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। ये देखिए ज़रा नज़ारा माशाल्लाह कितना प्यारा है, अस्सलाम वालेकुम। ये ग्लेशियर पॉइंट है, ये वो ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये वाला जो है ये जो है
ये ग्लेशियर ही है, बड़ा पीस पड़ा हुआ यहाँ पे, अभी अभी मेल्ट हो रहा है। और वो ऊपर वो बंदा एक लगा हुआ वर्कर है, वो बर्फ़ के बड़े बड़े पीस निकाल रहा है यहाँ पे, वो बर्फ़ के गोले बना के सेल कर रहे हैं। तो अच्छा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, ये पानी आ रहा है, ये नीचे जा रहा पानी, और ये है हमारा दरिया सवात, रिवर सवात, ठीक है। और वो देखें एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी यहाँ के, वो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं गाड़ी के, उसने बताया कि ये एक डैम बन रहा है यहाँ पे, टनल बन रही है उसकी पानी की, जो इन पहाड़ों के नीचे है, जो इन पहाड़ों के नीचे बनेगी, और वो जा रही है सुरंग। तो अभी मैं आगे निकल आया हूँ तो वो नहीं दिखा सका, रिटर्निंग पे ना मैं वो आपको टनल भी दिखाऊंगा। तो ये इसके आगे ब्लॉक लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे ब्लॉक बनेगा, उस स्पिल वे बनेंगे, ऊपर से वो पानी फ्लो होगा और उधर से वो पानी जाएगा। तो यहाँ पे भी डैम बन रहा है, नेक्स्ट मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मे भी कोई 2-4 साल 5 साल 10 साल लगे। तो चाइनी कंपनी है जो यहाँ पे वर्क कर रही है। और एक आपको मैं एक और मालूमात देता चलूँ, इन पहाड़ों के पीछे, इधर पहाड़ों के थोड़ा सा पीछे एक और टनल बन रही है, जो यहाँ से जाके चलास में जाके निकलेगी, जो हमारी जो ये एक्सप्रेस वो है ना सी पैक, उसका हिस्सा होगी। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में अपने होस्ट सैयद शकूर आलम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये शफात चश्मे के पॉइंट पे हम रुके हुए हैं, ज़रा हाइट देखना पहाड़ की, बड़ा स्लो मोशन में लेके जा रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जाके ऊपर ख़त्म हो रहा और स्टिल स्टैचू की तरह इसकी हाइट है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। ये शफा चश्मा, शफा चश्मा का पानी, ये शफा चश्मा का पानी है। ये ग्लेशियर पड़े हुए हैं, ये बर्फ के तोदे। अस्सलाम वालेकुम, ये मोहनडेंट झील, ये देखें, ये इसमें बोट्स भी चल रही हैं, ये इसका लेक बना हुआ पीछे से, ग्लेशियर पिघल पिघल के जो मेल्ट होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कूल, मतलब गर्मी का एहसास है ही नहीं है, ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे कोई गर्मी है। सूरज निकल भी है तब भी कोई गर्मी नहीं है, हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो बहुत अच्छा नज़ारा है, ये देखें, ये ऊपर से वो पीछे से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, वो पानी आ रहा है, वो देखें, इसी तरह इधर से, इधर से बहुत सारे मेल्ट होकर पिघलते आ रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा, आपको विज़िट करवाता रहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ये मोहनडेंट झील में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया है। तो हम तमाम दोस्त इसमें मौजूद हैं, अपने भी फोकस कर ज़्यादा, मैं आपका भी फोकस कर लूँ। अरे पागल है, अपने साथी आवाज मोड़ने वास्ते हाजिर दिता, उन्हें लैके जाएगा। लो जी, ये सफर का आगाज हो रहा है, वो उसने अपने साथी की जो बोर्ड थी वो मेरा ख्याल कोई खुल गई और यहाँ आ गई, अब उसने वो उसको धक्का लगा के ना उसको आगे किया, और ये हम ये सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो जब इंसान मतलब ऐसे इलाकों में आता है तो इंसान की रूह दिमाग ताज़ा हो जाती है, फ्रेश हो जाता है। तो हम इन नज़ारों को, कुदरत की हसीन खूबसूरती को अपने अपने कैच कर रहे हैं। यस्मिया, 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 यस्मिया।
बैठा हुआ हूँ। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग टीचर हैं, साबर साहब भी मौजूद हैं। सर जी हाँ जी, करो कैमरा पैक कर दो। हाथ लाओ, अपने अपने नंबर बताओ। ये इस वक्त हम सैफुल्ला झील में यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये हम मैंगो पार्टी भी यहाँ पे करने लगे हैं। ये मैंगो ठंडे हो रहे हैं, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो ये हमारे दोस्त हैं वेटिंग में, सारे खड़े हैं कि कब हम मैंगो उनको दिया जाए। तो ये देखें, ये जो है ना, ये जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये देखें, मतलब कह लें कि हम तो काफ़ी थके हुए हैं, ये कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल इस, वो देखें, वो एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, बड़ी हिम्मत है उसकी, वो इतना ऊपर गया। यहाँ पे भी ये दो बंदे ये मूव कर रहे हैं, तो बड़ी हिम्मत वाली बात है, वो काफ़ी हाइट पे है। तो हम इस वक्त बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हमें नहीं इस वक्त हिम्मत, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के ये देखें, ये सैफुल्ला लेक है, झील है, मोहनडंड से कोई 1.5 किलोमीटर आगे है। तो बहुत ही यहाँ पे वेदर अच्छा लग रहा है। ये ह्यूज माउंटेन यहाँ पे आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत खूबसूरत है। यहाँ पे बड़े बादल ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, लोग राइडिंग उस पर कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग। अच्छा, ये जो ये देखें, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये जो माउंटेन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर इतनी मतलब बर्फ़ नहीं थी। ये अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे बादल आए हैं, और वो हम जब ये थे ना रास्ते में मोहनडंड जी से पीछे, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। यानी जो बारिश हल्की सी हुई है ना, वो भी जो थी वो भी बर्फ़ की शक्ल में, छोटे छोटे मतलब जो हम गड़े कहते हैं, वो गड़े हेल जो हैं वो पड़ रहे थे। तो मतलब सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे काफ़ी। तो ये अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे ये देखें, मतलब यहाँ पे भी बर्फ़ ऊपर नज़र आ रही है। ये अच्छा मौसम है। हाँ, ये देखें, हाँ, ये बिल्कुल ये हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह ये नदीम साहब मैंगो ठंडे कर रहे हैं।